आज मैं आपका अपने इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे और अगले पिछले वीडियो आप उसको पढ़े होंगे अच्छे से और आप में अपने लिखे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से चलते हैं एक बार फिर पार्ट 8 कक्षा 9 एवं 11 के लिए, जो हमारा दूसरा कोशिकांग है केंद्रक। पहले कोशिकांग के बारे में हम माइटोकांड्रिया के बारे में बता चुके थे। माइटोकांड्रिया कैसा होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, किस तरीके से सृष्टि क्या होता है, यकृत क्या होता है ना। माइटोकांड्रिया के अंदर तरह चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये सब क्या होता है, माइटोकांड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें हमने बात कर लिया था। आज हम फिर से चलते हैं केंद्रक के ऊपर। तो देखिए केंद्रक जो होता है यह भी एक प्रकार का कोशिकांग ही है। क्या है ये कोशिकांग है, ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक जो है जंतु एवं पादप दोनों कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। अगर केंद्र कोशिका कोई खटपोड़ी या गोल या आयताकार है तो उसके बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है। और यह जिसकी संरचना कैसी होती है, दोहरी भित्ति युक्त तथा गोलाकार की होती है। एक बार फिर से देखते हैं, केंद्रक जंतु एवं पादप दोनों कोशिका के केंद्र में पाया जाता है जिसकी संरचना दोहरी भित्ति युक्त, जैसे माइटोकांड्रिया की दो कलाएं थी उसी तरीके से इसके भी दोहरी भित्ति है, बाहर की और है अंदर की। दोहरी भित्ति युक्त संरचना और कैसे दिखाई देती है, ये गोल दिखाई देती है। तो जंतु जानते ही है जो अपना भोजन स्वयं न बना सके वो जंतु, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो स्थिर होते हैं, वो जो चल नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं, पादप कहलाते हैं। फिर दूसरी बात अगर हम बात करें तो केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम वैज्ञानिक ने की थी। कुछ समय था जब वो समय था 1831 का और उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने अपने समय में केंद्रक के ऊपर शोध किया और पाया जो कोशिका के केंद्र में होता है उसे क्या नाम दिया, केंद्रक। और केंद्रक के प्रमुख 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5। यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रक कला दूसरे नंबर पर है, केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव, क्रोमैटिन धागे और केंद्रिका। अगर हम फिगर में देखें तो केंद्रक को चारों तरफ से जो कला ढके हुई है उसको हम केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक को चारों तरफ से जो घेरे हुई है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। ये कैसी संरचना में है, दोहरी संरचना में है। कैसी संरचना में, दोहरी संरचना में। और इसके केंद्रक पर ही कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, कहीं कहीं जगह जगह पर पे छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। इस केंद्रक छिद्र के माध्यम से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, अर्थात इस कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, तो कोशिका में जो पोषक पदार्थ है वो केंद्रक में किस माध्यम से जाएगा, केंद्रक छिद्र के माध्यम से ना। और इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर कैसे निकलेगा, केंद्रक छिद्र के माध्यम से। तो केंद्रक कला पर ही जगह जगह पर छिद्र पाया जाता है जिसको हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। केंद्रक कला और केंद्रक छिद्र के बारे में समझ में आया। केंद्रक के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 5। केंद्रक कला, केंद्रक छिद्र, ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरी, केंद्रक द्रव क्या होता है। तो केंद्रक के अंदर लिक्विड पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। लिक्विड पदार्थ अगर ना हो तो जो अन्य अंग है जैसे ये मान लीजिए केंद्रिका है, क्रोमैटिन धागे हैं, क्या उन्हें पोषण मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो केंद्रक के अंदर कुछ तरल लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। और केंद्रक द्रव में ही क्या पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है और कुछ धागे के समान उलझी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमैटिन धागे कहते हैं। तो केंद्रक के कितने भाग होते हैं, 5। केंद्रक कला, केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव, क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन नेटवर्क, 5वां है केंद्रिका। हम आपसे पहले ये बता चुके थे जिस केंद्रक में ये 5 संरचनाएं विकसित हो उसे हम पूर्ण विकसित केंद्रक कहते हैं। और जिसमें ये इसमें कोई भी एक या दो संरचना अगर हम गायब कर दे तो केंद्रक अपूर्ण केंद्रक कहलाता। यहाँ पर इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम, इंग्लिश में बोले तो कंट्रोल रूम, अथवा कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं, सोचने का जो भी काम होता है उसका नियंत्रण करता है, उसी तरीके से केंद्रक को
भी कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब सारी क्रियाएं जो होती हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम या फिर कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। आगे चले देखिए, इसमें दिया है केंद्रक में उपस्थित जाल के समान संरचना। आपको क्या इसमें दिखाई दे रहा है? जाल की तरह संरचना। केंद्रक के अंदर उपस्थित जाल के समान संरचना को हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इसके द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र। देखिए, जब ये केंद्रक केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागे हैं, क्रोमेटिन धागे जब ये केंद्रक दो बराबर भागों में बंटने लगे, कोशिका का विभाजन जब होता है उसमें केंद्रक, आधा केंद्रक और आधा कोशिका दोनों दो बराबर भागों में बटती हैं। तो जब केंद्रक जो है दो बराबर भागों में बटने लगता है तो ये धागे सिकुड़कर मोटे और छोटे हो जाते हैं। उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? गुणसूत्र नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? गुणसूत्र नाम देते हैं। और गुणसूत्र पर दानेदार संरचना में जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और जीन को अनुवंशिकी या वंशागत या फिर अनुवंशिकता का छोटी इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, कैसे एक बार देखते हैं। तो केंद्रक जंतु एवं पादप दोनों कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, जिसकी संरचना दोहरी भित्ति युक्त अथवा गोल होती है। और आगे देखें तो केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम वैज्ञानिक ने की। केंद्रक के प्रमुख पांच भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। उसके बाद जो केंद्रक है उसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष अथवा कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और केंद्रक में उपस्थित जाल के समान संरचना को क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इसके द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। और गुणसूत्र पर दानेदार संरचना में जीन पाया जाता है। जीन को हम क्या कहते हैं? वंशागत की छोटी इकाई कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे आपका एग्जाम हो, ये सारी चीजें पूछी ही जाती है। तो आप इसको लिखेंगे। तो अभी फिर से आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर हम केंद्रक की संरचना बनाए थे। तो केंद्रक के कितने भाग होते हैं? पांच। कितने भाग होते हैं? पांच। केंद्रक कला, तो देखिए इस संरचना से हम केंद्रक कला को अलग निकाल लिए हैं। ये केंद्रक को चारों तरफ से जो संरचना कवर करती है, घेरे होती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कला। अगर केंद्रक कला के बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? यह केंद्रक के चारों तरफ से घेरे हुए वाला जो भाग होता है, या केंद्रक को चारों तरफ से जो संरचना घेरे हुई होती है और उसकी रक्षा करती है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इरैक लैब ने की थी। किसने की थी? इरैक लैब ने। तो केंद्रक कला का कार्य क्या होता है? केंद्रक की रक्षा करना। दूसरा नंबर अगर जाए तो हम केंद्रक छिद्र के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? केंद्रक छिद्र। क्या होता है केंद्रक छिद्र? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब छिद्र। तो इस केंद्रक कला के ऊपर जगह जगह पर आपको छिद्र दिखाई देगा, उस छिद्र को हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। और इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें तो क्रोमेटिन धागे, हमने बताया भी क्रोमेटिन धागे जो होता है जाल के समान संरचना, केंद्रक के अंदर जाल के समान संरचना पाई जाती है, उसके हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? क्रोमेटिन नेटवर्क या फिर क्रोमेटिन थ्रेड। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जाल की तरह संरचना, इसको हम इसमें से निकाल करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये क्या है? केंद्रक मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन धागे। इसका कार्य क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण करना। क्या होता है? गुणसूत्र का निर्माण करना। चौथे नंबर पे आ जाए केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड पदार्थ, जो तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। इसका कार्य होता है केंद्रक में उपस्थित अन्य विशेष संरचना को पोषण प्रदान करना होता है ना। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट वाला केंद्रिका। जिस प्रकार से केंद्रक कोशिका के अंदर केंद्रक सेंटर में पाया जाता है, उसी तरीके से केंद्रिका भी केंद्रक के अंदर सेंटर में पाई जाती है। तो ये पांच संरचनाएं थी। इसको हम जैसे बोले आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, समझ में आया होगा तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पांच भाग: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, क्रोमेटिन धागे, केंद्रिका और केंद्रक छिद्र। केंद्रक की खोज किसने की? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की।
यह केंद्रक जो होता है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक के 5 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रक छिद्र, क्रोमैटिन धागे और केंद्रिका। उसका सबका अलग अलग विशेष योगदान है, तो इसको हम आप इसके बारे में बता दिए। इस केंद्रक को और क्या नाम दिया जाता है? कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल रूम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कोशिका के अंदर होने वाली सभी समस्त क्रियाओं का संचालन करती है। जैसे हमारे शरीर में सभी समस्त क्रियाओं का संचालन माइंड करता है, इसीलिए माइंड को विशेष स्थान या विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है, उसी तरीके से केंद्रक भी होता है। तो आज के लिए हम आपको केंद्रक बता चुके हैं। आप अगर इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, यहाँ हम आपको समझा दें। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला कुछ क्या चलेंगे।